मिस्टर जर्सी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत मेहनत कर रहे हैं। हेलो सभी को, हेलो लिखा वाली, अब होगा अच्छा होगा, बस डट के खड़े रहना और कभी हार मत मानना। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ब्लॉग जो है मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं नाइट राइडिंग करने वाला हूँ, आप लोगों को बताना होगा मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। मैंने आज अरुणाचल का सबसे बड़ा यूट्यूबर का परफॉर्मेंस देखने जा रहा हूँ गाइस। सो गाइस, आज का ब्लॉग जो है मैं एक्चुअली लेंजिंग डोमिन को मिलने जा रहा हूँ, तो मेरा फेवरेट है। उन्होंने जिस तरह पब्लिक को फेस किया उस समय में, यूट्यूब के बारे में लोग जानते नहीं थे और लोग कुछ वीडियो वगैरह बनाने से उसका समय में बहुत हंसी मजा उड़ाते थे, ये करता है वो करता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह वो स्टेज से निकला गाइस, वो काबिले तारीफ है। सो गाइस, वो पहले गाना वगैरह गाया करते थे तो इतना फेमस नहीं था, जब से उन्होंने यूट्यूब में ग्रो किया भाई, काफ़ी सारा लोगों को हेल्प किया यूट्यूब के द्वारा, डोनेशन वगैरह बहुत किया उन्होंने, तो उसके वजह से आज वो मुकाम पर है। सो गाइस, फाइनली आज वो है लिखा वाली, आप लोगों को पता है मालिनी मेला हो रहा है वहाँ पर, तो मेला पर लेंजिंग द वीकली उसका चैनल का नाम है, वो आया हुआ है, एक्चुअली परफॉर्म करने वाला है। सो गाइस, उसके लिए मैं यहाँ पर इतना दिन से यहाँ पर रुका हुआ था, काफ़ी सारा प्रोग्राम मैंने पेंडिंग किया था बासार का, 2 तारीख को भी मेरा प्रोग्राम था, वो कुछ फुटेज वगैरह लेना था एक जगह से, तो उसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। फिर कल भी एक प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम था एक्चुअली, एक मेरा बस्ती में ही वो मेरा मामा लोग चलो जाना है बोल रहा था, लेकिन उसको भी मैंने आज कल लेंजिंग के लिए मैंने उसको वो प्रोग्राम को भी कैंसिल कर दिया गाइस। बस एक बार देखना चाहता था लाइव में लेंजिंग को, मैंने बस मैंने वीडियो पर ही देखा हूँ, और आप लोगों को पता है वीडियो पर देखना और लाइव पर देखना कितना फर्क होता है। सो मैंने काफ़ी सारा यूट्यूबर से मिला है, लेकिन अपना जो अरुणाचल का सबसे फेमस यूट्यूबर है उनको मिले बगैर तो मैं जा नहीं सकता, इसलिए मैंने रुका और आज मैं फाइनली उसको मिलने जा रहा हूँ। सो गाइस, आप लोग नाइट राइडिंग कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। नाइट राइडिंग मतलब करने अच्छा है, थोड़ा रिस्क भी है, 7-8 बजे समय में काफ़ी सारा गाड़ी जाता है, इसलिए नाइट राइडिंग करना थोड़ा रिस्की सा हो जाता है। और वहाँ पर जो है एक फोकलेन जो है कीचड़ में डब गया था, तो एक फोकलेन उसको निकालने के लिए मदद कर रहे हैं। सो फोकलेन में सिर्फ एक हाथ होता है और चेन वाला होता है, तो इसके लिए फोकलेन भी कभी कभी जल्दी जल्दी फंस जाते हैं। और मेरा वाइज़र जो है ना गाइस, हवा आप लोग को बहुत ग्लिच कर रहा होगा, मेरा वाइज़र मैंने डाउन नहीं किया क्योंकि रात है ना भाई, और मैंने सोफे वाला वाइज़र नहीं लगाया, अपना भी फेज है फेसबुक फेज, तो यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह चलाते रहता हूँ, तो अगर आप लोग ने फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं, अगर आपको अरुणाचल का अपडेट चाहिए मिस्टर डिर्ची पेज बोल के। सो गाइस, फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ मालिनी मेला में, तो आप देख सकते हैं लेंजिंग का क्रेज, तो यहाँ पर काफ़ी सारा पार्किंग वगैरह आ चुका है, पहले कल तक मतलब इतना पार्किंग वगैरह कुछ नहीं था यार। सो आज आया है तो देखते हैं हमें पार्किंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कितना खूबसूरत तरीका से सजाया है। एक्चुअली ये क्लोज हो चुका है, अभी एंट्री एग्जिट सिर्फ दे रहे हैं, तो यहाँ पर रखते हैं बाइक को।
सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरफ से कल फिर से आइए हमारे शो को एंजॉय करने के लिए. टुमारो का सेम समय सेम जगह 5 बजे है ना मायर. And for tomorrow, there will be a band to witness the last performance of the evening. अभी सारा क्राउड जम गया यार. लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली द मैन हिमसेल्फ, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर लेंजिंग डोमिंग. हेलो सभी को, हेलो लिका वाली. मेरा नाम है लेंजिंग डोमिंग और मैं ऑल द वे फ्रॉम आया हूँ पासीघाट अपने बैंड को लेके. गुजर चुके हैं जो बहुत ही ग्रेट सिंगर थे और माय फेवरेट बचपन से उनका गाना सुन के ही मैं बड़ा हुआ हूँ बचपन से. कुछ भी ना सुना कब का था गिला कैसे कह दिया अलविदा. बैठा हुआ मेरा नहीं लग रहा है ओके तो और अच्छी बात है. तो नेक्स्ट सॉन्ग हम करेंगे सभी लड़कियों का फेवरेट. तो भाई मुझे इसका टैलेंट ना बहुत खतरनाक लगा यार. वहां पर मैं की परफॉर्म कर रहा हूं, यहां पर अपना परफॉर्म कर रहा हूं भाई. लेकिन ये मेरा लास्ट परफॉर्मेंस मतलब लिखा वाले में नहीं होगा. आने वाले साल में मैं फिर से जरूर आऊंगा नए गानों के साथ, अपने बैंड के नए सॉन्ग्स के साथ. तो अभी जितने लोगों ने भी अभी तक मेरा रमी रमी गाना नहीं सुना हमारे बैंड का, रमी रमी बैंड का, लेंजिंग एंड द बैंड का, तो प्लीज जाके यूट्यूब में सुनिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. सभी लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दीजिए उस गाने को प्लीज. तो गाइस ऐसा लगता है कि लेंजिंग को आज बाहर के ही छोड़ गया, उसके लिए आया हूँ, उसके लिए प्रोग्राम बंक किया हूँ. सो फोटो वगैरह हो रहे. एक्चुअली मुझे फोटो नहीं चाहिए, मुझे सेल्फी का साथ में एक वाइट चाहिए लेंजिंग का. शुक्र करता हूँ मेरे तान भी जल्दी जल्दी के बाद तो मेरा दान होगा यार. सो गाइस फाइनली अभी मैं अपनी लैंडिंग. सो भाई हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच लिखा वाले आने के लिए. वेलकम. सो भैया थोड़ा सा बोल दीजिए ना कुछ. आपको बाइक एक बाइक और आपका चैनल का नाम मिस्टर दिर्ची. मिस्टर दिर्ची को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, इनको जरूर सपोर्ट करना. और जितने भी इनके सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं आप सभी के लिए भी, आप सभी को भी वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आप सभी को वेल विशेस कि आप लोग का साल अच्छा जाए और कुछ भी चीज़ बुरा होगा अच्छा होगा, बस डट के खड़े रहना और कभी हार मत मानना. आपको भी यही मेरे तरफ से एडवाइस और आपकी फैमिली का भी. तो भाई हमें आपको मिलने के लिए बासर से आए. बासर से? हाँ, दो दिन से रुका हूँ. थैंक यू सो मच. सिर्फ आपके लिए. थैंक यू. सो एक्चुअली मोटो व्लॉग के तो भाई आपका एक बार चैनल चैनल में ना आप, हम तो आज तो ब्लॉग नहीं कर रहे. जब ब्लॉग कभी नहीं फंसे घर में आइए तब भी ब्लॉग करेगा. अभी तो मेरा तो थोड़ा गाना में हम फोकस कर रहे हैं ना. आप जब जैसे हम तो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं हाँ तब तक हम ब्लॉग ठीक है आपको टेक करेंगे. तो टेक कीजिए, हम ट्राई जरूर करेंगे. थैंक यू. मेरा वादा है. याद तो रखेगा, याद रखेगा. थैंक यू सो मच वंस अगेन. हैप्पी न्यू ईयर. अभी यहाँ हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच. सो गाइस मुझे तो एक बाइक मिल गया. थैंक यू सो मच. और ये भाई लोग का वजह से मिला है, इन लोगों ने मुझे चांस दिया. तो यहाँ से निकलता है.
सो गाइस, मैं फिर से नाइट राइड पर निकल चुका हूँ क्योंकि मैंने जो सोचा था वो फाइनली हो गया, क्योंकि मुझे फाइनली लेंजिंग डोमिंग से मिलना था। मैं उनसे मिल चुका हूँ। मैं बोला था ना गाइस, वो बहुत डाउन टू अर्थ है। सो मैं जो सोचा था वही हुआ है और उनसे बहुत सारा बात किया। बहुत सारा नहीं क्योंकि बहुत सारा लाइन लगा हुआ था यार फोटो खींचने के लिए। मेरे लिए उन्होंने मतलब 2 मिनट भी टाइम निकाला वो मेरे लिए बहुत ही गाइस, क्योंकि एक छोटा सा यूट्यूबर, बस मैं उनको टेक्स्ट वगैरह करता हूँ लेकिन उनके साथ में बिजी होता है तो कभी कभी रिप्लाई करते हैं, कभी कभी रिप्लाई नहीं करते। तो मैं सोचा आज जैसे भी उनके साथ में एक वाइक्स तो बनता है, बल्कि मैंने ये दिन रुक के यार फाइनली मैं लेके यहाँ से अभी निकलेगा। आप रास्ता देख सकते हैं कितना खूबसूरत रास्ता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में। यहाँ पर अंडेरा में ब्लॉक को ऑफ करते हैं। आप लोग भी नींद लग गया होगा क्योंकि अभी लगभग रात का यहाँ पर देख सकते हैं 10:11 हो चुका है। गुड नाइट सभी को। शुभ